कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कैसा चल रहा है आपका गर्मी में काम? हमारा तो बहुत बुरा हाल है फ्रेंड्स, आप बताइए कैसा चल रहा है हमारा। बहुत बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। तो मैं आज सुबह से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ रूबरू अभी हुई हूँ। मैंने बाल उल धोए हैं और मैं यही भाई टी शर्ट में रहती हूँ फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है। फ्रेंड्स मैं मार रही हूँ पोछा, घर के सारे काम जरूरी हैं फ्रेंड्स। ये वाला पोछा है ना फ्रेंड्स, ये सारे खूंजों में घुस जाता है, बोलते हैं पूरे कोने कोने में करे सफाई। फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी कुर्सी तोड़ी है। कभी कभी ना पता नहीं ये क्या हो जाता है इसको। फ्रेंड्स आलू गल गए हैं, देखिए ये सॉफ्ट हो गया, आलू फूट रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना ये घोल तैयार किया है जो हमने, बेसन में कट लगा था प्याज। हाँ नहीं काट है, हाँ थोड़ा पाओ हो। चलो फिर पा दो। फ्रेंड्स कढ़ी के साथ हम बनाएंगे चावल। पानी और डाल दिया इसमें फ्रेंड्स। आलू वाली कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है हिमाचल में फ्रेंड्स, कढ़ी अरबी वाली कढ़ी बनाते हैं, अरबी डाल के कढ़ी। पकोड़े भी डालते हैं, ऐसी बात नहीं कि हिमाचल के लोग पकोड़े ही नहीं डालते, अरबी भी डालते हैं, पकोड़े भी डालते हैं, अलग अलग तरह की। आज मैंने भी यही सोचा कि मैं आज आलू वाली कढ़ी बनाऊँगी, बहुत दिन हो गए आलू वाली कढ़ी खाए हुए। जब तक कढ़ी को उबाल आता है तब तक हम रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, और ये डालेंगे जीरा, ये थोड़ा हमारा जीरा क्रैक हो जाए तो हम डालेंगे इसमें प्याज, ये डाल दिया हमने, लहसुन। लहसुन पहले डालना पड़ता है फ्रेंड्स क्योंकि कच्चेपन की स्मेल ना आए। लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, लंबी लंबी कटी हरी लाल मिर्च, ये जो सूख जाते हैं मिर्च
और कटी हुई मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। ये हमने दही में बेसन डाल लिया, ये देखिए। फ्रेंड्स ये इसमें डाल देंगे हम मसाले, हल्दी। फ्रेंड्स कड़ी को तड़का ये लगा रहे हैं, मैं सिर्फ कड़छी हिला रही हूँ। इनके हाथ की कड़ी ना मज़ा आ जाता है सच में, खा के कितने दिन मुंह से स्वाद ही नहीं जाता। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाली कढ़ी। पकोड़े नहीं डालूंगी, पिछली बार बनाई थी पकोड़े वाली बनाई थी, पता पूरा दिन लग जाता फ्रेंड्स पकोड़े में। ये हम इसमें डाल देंगे। हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। राम राम जी सबको, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ सबके लिए है, अभी कोई मत बोलना कि मेरे लिए नहीं बोला है, सबके लिए बोला। मैं नहा करके अभी निकली हूँ और पूजा वूजा करते हैं, मैं फ्री हूँ। झाड़ू भी लग गया, मैंने नहाने से पहले झाड़ू लगा लिया था और अब मैं आई हूँ किचन में। थोड़ी सी चाय बनाऊंगी अपने लिए कि सुबह सुबह चाय मुझे चाहिए, जो सुस्ती सी पड़ी है, अभी भी आंखें खुल नहीं रही हैं, सुस्ती सी बहुत पड़ी है, तो चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या बनाए नाश्ते में, और ऊँचा ऊँचा लगा करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बने रहिए तब तक मेरे साथ। चाय बनाने से पहले कर लेते हैं थोड़ी सी किचन क्लीनिंग। वैसे तो मैं रात को करके सोई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है। जो तवा रहता है वो मैंने रात को नहीं मांझती हूँ, मैं वो मैं सुबह मांझती हूँ। ये देखिए कल फ्रेंड्स गैस का क्या हाल कर दिया इन्होंने, समोसे बनाए थे ना, तो ये अब मेरे को कैसे साफ़ हो गई मुझे पता नहीं चलेगा। वो पता क्या, इस पर घी गिर गया और उसके बाद फिर साफ नहीं किया। देखिए क्या हाल कर दिया किचन का। जब ये किचन में घुसते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उधम मचा देते हैं किचन में। ये मेरे देसी घी की डब्बी, देखती हूँ फ्रेंड्स ये उतर जाए, ये उतर रहा है, घी है ना चिकना चिकना सा उतर रहा है। मैं साफ करके आपको मिलती हूँ। मैं फ्रेंड्स लगाने जा रही हूँ आइसक्रीम। सॉरी फ्रेंड्स, वो जो दूध में घोल बनाया था ना वो फटाफट ना उसमें डाल दिया, ध्यान में नहीं रहा कि आपको बताना था। मैंने 2.5 चम्मच कस्टर्ड लिया था, दिमाग से ही निकल गया फ्रेंड्स। ये वीडियो बना रही हूँ, पता दिमाग से कैसे निकला फ्रेंड्स, मेरे ना चीटी लड़की बाजू पे, उस वजह से दिमाग में से निकल गया मेरे। कस्टर्ड को ना ऐसे हिलाते रहना फ्रेंड्स। इसमें मैं डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट।
अगर कोई फ्रूट वगैरह होते तो मैं वो काट के डाल लेती, लेकिन अभी है नहीं अवेलेबल मेरे पास। आजकल जो तरबूज आ रहे हैं वो मैंगो आ रहे हैं, मेलन आ रहे हैं और वाटरमेलन आ रहे हैं। वाटरमेलन की आइसक्रीम तो कोई खाएगा नहीं, ना मेलन की खाएगा, मैंगो की खा लेंगे। मैंगो मेरे पास ना कच्चे पड़े हैं। देखिए मैम, मेरी चाय भी ऐसी पड़ी है। मैं बताऊं आपको मेरी चींटी कहाँ लड़ी, ये यहाँ लड़ गई मेरी चींटी, लाल लाल हुआ पड़ा ना जहाँ। लाल वाली चींटी लड़ गई फ्रेंड्स, लाल वाली चींटी। पता नहीं लगता कहाँ घर में कहाँ से कहाँ लाइन बन जाती है चींटियों की, एकदम सीधी सीधी लाइन लगा करके वो पता नहीं कहाँ जाती हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं, कुछ पता नहीं चलता। मेरे को ना कैमरा मेरा हिल रहा है ना, मुझे बड़ी जहाँ चींटी लड़ी है ना वहाँ बड़ी जलन सी पड़ रही है। कस्टर्ड को कर देते हैं बंद, इसको डाल देंगे डिब्बी में, कहीं इसमें तो चींटियाँ नहीं पड़ जाएंगी, कोई पता नहीं, पड़ भी सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो ये भी पड़ा था थोड़ा सा, ध्यान में नहीं था, दूसरा पैकेट खोल लिया, आज की तो इसमें बनी जानी थी। चलो कोई बात नहीं, देखिए फ्रेंड्स इसकी थिकनेस ही अब गाढ़ा हो गया ना, ये देखिए। इसको ना लगातार हिलाते रहना है फ्रेंड्स, ताकि ये नीचे ना लगे। ये गाढ़ा हो गया ना, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद, क्योंकि यहाँ उबाल आ गया था एक बार। मुझे डर ही लगता है जब उबाल आते आते ना, कहीं ये उबाल इतना आ जाए कि बाहर ही आ जाए कि मैंने गैस साफ की है। बस एक और उबाल आ जाए तो बंद कर देंगे। ये कैसे उबाल रहा है, बंद कर देते ना। मैं पी लेती हूँ चाय, मैं जा रही हूँ रोटी, आज कढ़ी बनाई है ना, ये मैंने पेड़े करके रख लिए हैं राइस एंड डेजी के लिए। मैं और तनु खाएंगे चावल, तो चावल मैंने निकाल लिए यहाँ और मैंने भिगोने के लिए रख दिए शेंक में। थोड़ा थोड़ा देखिए बूंद बूंद पानी आ रहा है, तो भिगोने के लिए मैं रख दे रही हूँ, रख दिए नहीं रख दे रही हूँ। एक कटोरी निकालूंगी मैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स एक कटोरी मैंने चावल निकाल लिए, इसे मैं भिगोने के लिए रख दूंगी। ये रोटी बना लूँ थोड़ी सी टाइसन डेजी के लिए और अनु के लिए, क्योंकि अनु चावल नहीं खाता और तनु और मैं चावल खाएंगे। गर्मी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, गर्मी ने तो हाथ में तो पतली कर रखी है सच्ची। आज कितना टेम्परेचर है बेटा, 48 बोल रहा, 48 डिग्री पंजाब का तापमान है, 47 कुछ है, 48 हो जाएगा। कढ़ी बनाई है फ्रेंड्स, चावल मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं। आज हमने कढ़ी बनाई थी ना, तो कढ़ी चावल खाएंगे, अंग खाएगा कढ़ी के साथ फुलका, इसको चावल पसंद नहीं है। देखिए फ्रेंड्स रोटी मेरी बन गई है, तो इसको रख देते हैं धोने के लिए। उधर मैंने चावल भी रख दिए हैं, देखिए
चावल रख दिए मैंने। खा लिया अभी अनु ने खाना। फ्रेंड्स चावल मेरे बन गए हैं एकदम बढ़िया। देखिए अब मैं कर देती हूँ गैस को बंद। तो मैं लगा लेती हूँ अपनी प्लेट। फ्रेंड्स हमने कढ़ी बनाई थी ना, ये देखिए कढ़ी चावल खाएंगे। ये थोड़े से मैंने आलू की और बड़ी की सब्जी बनाई थी, तो दो सब्जी हो जाते ना फ्रेंड्स, ये चावल, ये चटनी, ये आलू की सब्जी और ये मैं चपाती खाऊंगी। साथ में ये प्याज दिया फ्रेंड्स, बरसात में बोलते हैं कि वो खीरा कम कर देना चाहिए खाना, जितना हो सके प्याज खाएं। मेरा तन को लगा दे गए हैं आज काम पे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताया कीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे एक कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स प्लीज़, कि वॉच टाइम बढ़ नहीं रहा मेरा। आप एक डेढ़ मिनट की वीडियो देखते हो उससे कोई भी वॉच टाइम मेरा बढ़ नहीं रहा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की वजह से ही मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अब तो उससे ऊपर हो चुके हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से ये सब अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।